बागी फोर। खलनायक का सबसे खतरनाक लुक। खून से लथपथ दिखे संजय दत्त बोले, हर आशिक विलेन होता है। टाइगर श्रॉफ का बागी अवतार एक बार फिर लौट रहा है। करीब 5 सालों के बाद उनकी फिल्म बागी फोर रिलीज होगी। कुछ समय पहले टाइगर ने फिल्म से अपना लुक शेयर किया था। अब फिल्म के मेन विलेन का भी खुलासा हो गया। इस बार टाइगर श्रॉफ से टक्कर लेने संजय दत्त आ रहे हैं। देखिए, बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ का बागी अवतार कई सालों के बाद एक बार फिर पर्दे पर आने वाला है। उनकी फिल्म बागी फोर बहुत जल्द थिएटर्स में रिलीज होगी, जिनकी जानकारी उन्होंने खुद फिल्म का एक पोस्टर रिलीज करके दी है। टाइगर ने फिल्म से अपना एक लुक शेयर किया था, जिसमें वो काफी खूंखार दिख रहे थे। अब मेकर्स ने उनके विलेन को भी अनाउंस करके लोगों के लिए फिल्म की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ा एक पोस्टर शेयर किया है। कौन है वो विलन जो टाइगर श्रॉफ से पंगा लेगा? देखिए, संजय दत्त होगी बागी फोर में विलेन। साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन में बनी फिल्म बागी के अभी तक 3 पार्ट आ चुके हैं। हर पार्ट में टाइगर श्रॉफ एक खतरनाक मिशन पर होते हैं, जिसमें उनके ऊपर काफी खतरा भी मंडराता है। पिछले 3 ही फिल्मों में काफी दमदार दिखे, लेकिन लगातार इस बार उनके सामने चुनौती काफी मुश्किल है। टाइगर की बढ़त इस बार बॉलीवुड के खलनायक यानी संजय दत्त के साथ होने वाली है। देखिए, ये पोस्टर उन्होंने शेयर किया है। एवरी आशिक इज ए विलन। साजिद नाडियाडवाला बागी फोर डायरेक्टेड बाय ए हर्ष एज साजिद नाडियाडवाला फ्रेंचाइज 5 सितंबर 2025। तो देखिए, संजय दत्त ने फिल्म से अपना एक पोस्टर जारी किया, जिसमें उनके खौफनाक लुक को दिखाया गया है। पोस्टर में वो लंबे बालों और खून से सने हुए कपड़ों में बैठे हुए हैं। उनकी गोद में एक लड़की भी है, जिसे मार दिया गया है। पोस्टर के कैप्शन में लिखा गया है, हर आशिक विलेन होता है। उनके इस लुक से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार की लड़ाई विलेन के साथ भी काफी पर्सनल होने वाली है। अब देखा होगा कि वो कैसे टाइगर श्रॉफ को फिल्म में टक्कर देते हैं। इस फिल्म को कन्नड़ के फेमस डायरेक्टर कोरियोग्राफी ए हर्ष डायरेक्टर करने वाले हैं। फिल्म 5 सितंबर 2025 को रिलीज होगी। बागी फ्रेंचाइजी का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, बागी फिल्म का पहला पार्ट साल 2016 में रिलीज हुआ था, जिसमें टाइगर श्रॉफ के साथ एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर शामिल थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी, जिसके बाद इसका दूसरा पार्ट साल 2018 में रिलीज किया गया। फिल्म को क्रिटिक्स से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन बावजूद इसके फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की थी। इसके बाद साल 2020 में बागी का तीसरा पार्ट रिलीज हुआ था। दोनों फिल्म बागी 2 और बागी 3 को कोरियोग्राफी डायरेक्टर अहमद खान ने बनाया था। पिछले काफी समय से टाइगर भी अपने सोलो हिट का इंतजार कर रहे थे, और अब बागी 4 से शायद उनकी उम्मीद बनी हुई है। देखना होगा क्या टाइगर अपना जलवा अपनी बागी अवतार से वापस ला पाएंगे या नहीं। तो बागी फिल्म से रिलेटेड अपडेट थी, जो कि बहुत ही फेमस है। बहुत ही उनकी बागी फिल्म पुराने पार्ट उनके बहुत ही मशहूर रहे हैं। तो इस बार जो विलेन है, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया है संजय दत्त को लाकर। तो संजय दत्त इस फिल्म में विलेन रहेंगे। और ऐसी अपडेट के लिए, बॉलीवुड अपडेट के लिए, वायरल वीडियो के लिए, हरियाणा अपडेट के लिए हमारे चैनल को करते रहे फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।